आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज डिज़ाइन, जो कि मैं बचे हुए नेट से यहाँ डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। यहाँ मेरे पास हल्का नेट बचा हुआ था तो मैं इसी से आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से समझें और सीखें। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से आपको और भी डिज़ाइन सीखने को मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ एक ब्लाउज़ का पीस ली हूँ, ये जो मेरे पास बचा हुआ नेट था उसे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लाउज़ के पीस में कटिंग करेंगे, उसके बाद नेट में। मैं यहाँ खोल के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरे पास बचा हुआ नेट था। इस डिज़ाइन को आप आधे मीटर नेट में भी बना सकते हैं। नेट को हटा लेंगे, ब्लाउज़ के पीस को खोल के अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। कपड़े को इस तरीके से खोलकर बिछा लेंगे, किनारे से पकड़कर इस तरीके से मोड़ लेंगे। ध्यान रखना है कि बंद हमें अपनी तरफ रखना है। यहाँ मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कपड़े को इस तरीके से दो लेयर में मोड़ लेंगे अच्छे से मिलाकर। अब हम लोग ब्लाउज़ की लंबाई रखेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई मेरी यहाँ देखिए 13 इंच है। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा जो कि नीचे तुरपाई में जाएगा। यहाँ निशान लगा लेंगे, ऊपर की ओर आधे इंच पर एक और निशान लगाएंगे जो कि हमारी सिलाई में जाएगी। यहाँ से अब हम लोग शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। शोल्डर की चौड़ाई मैं यहाँ 7 इंच रख रही हूँ। 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, इसे हम स्केल से इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ऊपर वाले लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब हम लोग आर्म होल की लंबाई रखेंगे। आर्म होल की लंबाई मेरी यहाँ 6 इंच है। 6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, ऐसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हम लोग चेस्ट साइज रखेंगे। चेस्ट साइज मेरी यहाँ 36 इंच है। 36 को हम लोग 4 भाग में बांट लेंगे, उसका एक भाग हम लोग यहाँ रखेंगे। ध्यान रखना है कि आपको अपने साइज के अनुसार यहाँ साइज रखनी है। जैसे कि मेरी 36 इंच है, उसका एक भाग 9 इंच आया, तो 9 इंच पर इस तरीके से हम लोग निशान लगा लेंगे। अब हम लोग वेस्ट साइज रखेंगे। वेस्ट साइज मेरी 30 इंच है, उसे भी हम लोग 4 भाग में बांट लेंगे, उसका एक भाग हम लोग यहाँ रखेंगे जो कि मेरी 7.5 इंच आई है। देखिए उसमें हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जितनी भी आपकी वेस्ट साइज हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से निशान लगा लेना है और दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। इस तरीके से निशान लगा लेंगे, नीचे की तरफ भी 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसे भी हम लोग मिला लेंगे इस तरीके से। यह हमारी साइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आर्म होल की गोलाई देंगे, तो अंदर की तरफ 1.5 इंच इस तरीके से रख लेंगे। अंदर की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, ऐसे हम इस तरीके से हल्का सा गोल शेप दे देंगे। ये हमारी आर्म होल की गोलाई तैयार हो गई। अब हम लोग गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की चौड़ाई मैं यहाँ 3 इंच रख रही हूँ। 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। लंबाई भी हम लोग 3 इंच रखेंगे। 3 इंच पर निशान लगा लेंगे, इसे स्केल के सहायते से इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम लोग फिर से इंची टेप को यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे और 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इस लाइन को हम लोग सीधा कर लेंगे इस तरीके से, पूरा इस तरीके से। यहाँ से हम लोगों को हल्का सा गोल शेप देना है। देखिए मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से ऊपर की ओर हल्का सा गोल ले जाना है और इसे नीचे इस तरीके से मिला लेना है। अब हमें नीचे की ओर ध्यान देना है। वेस्ट साइज मेरी 8.5 इंच थी। इंची टेप को हम इस तरीके से रख लेंगे और इसे हम बीच में से इस तरीके से मोड़ कर एक निशान लगा लेंगे और 3 इंच पर एक और इस तरीके से निशान लगा लेंगे और 0.5 इंच पर इधर और 0.5 इंच पर इधर इस तरीके से 0.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे इस निशान को भी। अब हम लोग यहाँ से
यहाँ से 2 इंच की दूरी रखेंगे और एक निशान लगा लेंगे। ऐसे हम लोग स्केल के सहायता से हल्का तिरछा रखेंगे और आधे इंच पर इधर और आधे इंच पर इधर निशान लगा लेंगे। और यहाँ से दूसरे निशान से हम लोग एक और निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इसे भी हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे और आधा इंच कपड़ा इधर एक्स्ट्रा छोड़ना है और आधा इंच इधर। इस तरीके से हमारी 3 निशान आ गई। अब हम लोग इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। इस निशान को हम लोग दूसरी तरफ इस तरीके से उंगली को रखकर निशान लगा लेंगे और यहाँ भी। अब हम लोग इसे खोल लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से मोड़ कर हल्का सा इस तरीके से हाथ से दबा लेंगे। ये देखिए निशान हमारी दूसरी तरफ भी आ गई। इसे हम लोग इस तरीके से डार्क कर लेंगे जिस तरीके से है। सारे निशान को इस तरीके से डार्क कर लेंगे और इस लाइन को भी हम लोग इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हल्का सा गोल शेप दे देंगे। इस तरीके से हल्का सा छक मिट्टी को घुमा देंगे। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो कप्पे को इस तरीके से बीच में से पकड़ कर अच्छे से मिलाकर बराबर कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ से इस निशान से इसकी कटिंग करेंगे। मैं यहाँ कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से ऊपर की ओर ले जाना है गोलाई के अनुसार। इस तरीके से कैंची को चलाकर इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। और ऊपर वाले कपड़े को हमें फेंकना नहीं है। देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसे भी हम इस तरीके से रख लेंगे। हमारी बराबर कटिंग हुई है। अब हम लोग नेट में कटिंग करेंगे। तो नेट को अच्छे से बिछा लेंगे नीचे और ऊपर वाले पार्ट जो हमने अभी कटिंग की उसे इसके ऊपर रख लेंगे। मैं यहाँ दिखा रही हूँ इस तरीके से। और नेट में हम लोग आधा इंच कपड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से। आधे इंच पर निशान लगा लेंगे। इधर भी हम लोग आधे आधे इंच की दूरी रखकर इस तरीके से निशान लगा लेंगे इसी तरीके से। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। गोलाई की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से मोड़ कर और कैंची के सहायता से नेट को काट कर निकाल लेंगे। मैं खोल के दिखा रही हूँ। ये कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा इस तरीके से। ऊपर वाले कपड़े को हटा के मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से लगाएंगे। अब हम लोग इसकी सिलाई करेंगे। तो इस कपड़े को इसके ऊपर नेट के ऊपर रख लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ और हमें अभी सिलाई नहीं लगानी है। अब हम इस कपड़े को हटा लेंगे और नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से बीच में हल्का सा कट लगा लेंगे। ध्यान रखना है कि हमें हल्का कट लगाना है और हल्का कपड़ा पकड़ते हुए अंदर की तरफ इस पर सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। मैं यहाँ आपको सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से कपड़े को हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ लेंगे इस तरीके से। इस पर कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ हल्का मोड़ कर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम लोग दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाले पार्ट में मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ
इस कपड़े को हम लोग सुई के सहायते से इस तरीके से दाब लेंगे जिससे कि हमारा नेट हिले ना। बीच में से हम लोग इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमें नीचे वाले पार्ट को सीधा रखना है और बीच में से इस तरीके से मिलाकर बराबर अच्छे से मिलाकर रख लेंगे। इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें ऊपर वाले कपड़े में सिलाई नहीं लगाना है, तो इस तरीके से हम इसे हटा लेंगे और सिर्फ नेट में हम लोग सिलाई लगाएंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ। सुई को इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम लोग गला बनाएंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, एक इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, एक एक इंच पर। इसी तरीके से एक इंच पर निशान लगा लेंगे पूरी गोलाई में। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ कपड़े में कटिंग करना है, नेट में नहीं। इस तरीके से हल्का सा कपड़े को उंगली पर उठाते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से, ताकि नीचे वाला नेट हमारा कटे नहीं। इसकी कटिंग करके इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ हल्का हल्का कट लगा लेंगे। कट लगाने से हमारी अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़े को दाब कर साइड में एक सिलाई लगा लेंगे पूरी गोलाई में। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसे अंदर कैसे सिलना है मैं आपको दिखा रही हूँ। कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे और किनारे से हल्का सा मोड़ेंगे अंदर की तरफ, फिर इसे पूरा मोड़ लेंगे इस तरीके से और किनारे से इसकी सिलाई कर देंगे। मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से पूरी गोलाई की सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम लोग इसे पलट कर इस तरीके से रख लेंगे। ये निशान जो हमने लगाया था इसे पकड़ कर इस तरीके से सिल लेंगे। दूसरे निशान को भी इसी तरीके से सिल लेंगे और एक इंच नीचे की तरफ भी इस तरीके से मोड़ कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम लोग इसकी तुरपाई करेंगे। यहाँ हमारी सिलाई हो चुकी है नीचे की। अब हम लोग स्केल को इस तरीके से बीच में रख कर इस तरीके से यहाँ एक और सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा कपड़ा इस तरीके से बराबर हो जाए। ये जो हमारा ऊपर जा रहा है ये हमारा इस तरीके से बराबर हो जाएगा। यहाँ एक और सिलाई लगा लेंगे। पूरे निशान की सिलाई हो चुकी है। मैं यहाँ आपको पलट कर दिखा रही हूँ। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी। इसे हम हटा लेंगे। अब बचे हुए नेट को यहाँ पर बराबर से बिछा लेंगे अच्छे से मिलाकर इस तरीके से दो लेयर में मोड़। इस तरीके से दो लेयर में मोड़ कर बिछा लेंगे। ढाई इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे ढाई ढाई इंच पर। अब हम लोग इसकी कटिंग कर निकाल लेंगे। इसकी लंबाई आप अपने अनुसार से रख सकते हैं जितनी आपको डिज़ाइन बनानी है। इस तरीके से ढाई इंच पर निशान लगा लेंगे, यहाँ सिल लेंगे। यहाँ अगर आपका नेट घट जाए तो इस तरीके से जोड़ कर इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम लोग इसे उल्टी तरफ से रख कर इस तरीके से ध्यान रखना है कि सीधा हमें अंदर की तरफ रखना है। इसी तरीके से हमें पूरे नेट की सिलाई कर लेनी है। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा सिलाई लग चुका है। मैं इसमें आपको डिज़ाइन डाल के दिखा रही हूँ। इस तरीके से नेट को अच्छे से रख लेंगे और बराबर से नेट को अंदर की तरफ हल्का सा इस तरीके से मोड़ कर रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरी लंबाई की सिलाई कर लेनी है। हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हल्का सा नेट को पकड़ कर सिल लेंगे। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई डिज़ाइन की। बीच में हम लोग इस तरीके से लेस लगा लेंगे। इसे आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। लेस लगाने से हमारी अच्छी फिनिशिंग आएगी, देखने में अच्छा लुक देगा। इसी तरीके से पतला लेस ही लेकर इस पर लगा लेंगे। मैं यहाँ लेस लगा चुकी हूँ। हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आगे वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से सीधा रख लेंगे बराबर से अच्छे से मिलाकर, और हम लोग यहाँ निशान लगा देंगे बीच में
ताकि हमारी सिलाई में कोई दिक्कत ना आए। और डिज़ाइन को भी हम इस तरीके से बराबर से पकड़ कर बीच में एक निशान लगा लेंगे, चाक मिट्टी की सहायता से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब बीच में से इस तरीके से मिलाकर जहां हमने लेस लगाया है और कपड़े में जो हमने सिलाई की है उससे हम मिलाकर इस तरीके से पूरी गोलाई में सिलाई कर लेंगे। डिज़ाइन को इस तरीके से हल्का सा ऊपर की ओर करते हुए इस डिज़ाइन को हल्का सा नीचे करेंगे और हम लोग बीच में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ, देखिए हमारा ब्लाउज़ देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप गले पर भी लेस लगा सकते हैं। आगे की पार्ट हमारी तैयार हो चुकी है, मैं आपको यहाँ सिल कर दिखा रही हूँ। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं उसी तरीके से हम लोग बैक पार्ट को लेकर इससे सिल लेंगे। मैं आपको यहाँ बैक पार्ट की भी डिज़ाइन दिखा रही हूँ। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको इस डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।